भाजपा जिला मंत्री पवनी मेघवाल ढोल के धमाकों पर थिरकते हुए पहुंची कलेक्ट्रेट, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा नामांकन। भाजपा जिला मंत्री पवनी मेघवाल ने शनिवार को समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पूर्व बागोड़ा रोड पर उनके समर्थन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि आज तक नेताओं ने चुनावी वादे खूब किए, लेकिन क्षेत्र में विकास के काम नहीं हुए हैं। अब हम 36 कोम के लोगों को एकजुट होकर पवनी मेघवाल को वोट देकर जिताना है, जिससे क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो सके। वहीं पवनी मेघवाल ने कहा कि क्षेत्र में सालों से कई समस्याएं जस की तस है, मगर चुनाव के समय लुभावने वादे करने वाले जनप्रतिनिधि जीतने के बाद जनता की समस्याओं पर कोई गौर नहीं करते। उन्होंने कहा कि वह 36 कोम की जनता के समर्थन से यदि जीत जाती हैं तो वह लंबे समय से लंबित पड़ी समस्याओं को प्रमुखता से विधानसभा में उठाकर उनका समाधान करवाने का पूरा प्रयास करेगी। दानमसन जैन ने पवनी देवी को अपने सिर पर हाथ रखकर 36 कोम की सौगंध दिलवाते हुए जन सेवा के काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनता की पीड़ा को महसूस करने वाली पवनी को हमें जिताकर विधानसभा में भेजना होगा, जिससे क्षेत्र में विकास के पंख लग सके। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी तक जाऊंगी, इसलिए जनता जनार्दन को हर तबके के लोगों के काम करवाने के लिए पवनी को वोट देने की बात कही। अब तक नेताओं ने सिर्फ थोते वादे किए हैं, लेकिन हमारा वादा अटल रहेगा। अन्य वक्ताओं ने भी अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास के लिए पवनी देवी के समर्थन में मतदान करने की बात कही। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए लोग भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। पवनी देवी जो विधानसभा के एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन हुआ है, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठापूर्व प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगी।